जय हिंद विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सागरीय महासागरीय धाराओं के बारे में। समुद्र में जल धाराओं का या जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ये जल धारा कहलाती है। धारा शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि नदी एक धारा है जल की, और जब ऐसी नदियाँ समुद्र के अंदर बहती हैं तो उन्हें जल धाराएँ कहा जाता है, समुद्री धाराएँ कहा जाता है। ये कैसे बहती हैं, क्यों बहती हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो विद्यार्थियों, आइए हम सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि समुद्र में होने वाली जो गतिविधियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। उन गतिविधियों के आधार पर हम ये समझ सकेंगे कि किसे हम करंट कहें, या ओशनिक करंट जब शब्द प्रयोग किया जाएगा तो हम किसके लिए ये प्रयोग करें। तो आइए सबसे पहले हम कुछ शब्दावली के बारे में जानें। सबसे पहले एक शब्दावली है वेव, दूसरी शब्दावली है ड्रिफ्ट, तीसरी है करंट, चौथी है स्ट्रीम और पांचवी है टाइड। समुद्र के पानी में इस तरह से पांच प्रकार की गतिविधियां होती हैं। वेव मींस तरंग, ड्रिफ्ट मींस प्रवाह, करंट मींस धारा, स्ट्रीम मींस महाधारा, टाइड माने ज्वार। क्या है इनको समझने की कोशिश करते हैं। समुद्री जल में होने वाली गतियां पांच प्रकार की हो सकती हैं। सबसे पहले समुद्री जल गतियों, ये समुद्री जल गतियों के प्रकार हैं कि कितने प्रकार से वाटर मूव कर सकता है समुद्र का। तो सबसे पहले बात करते हैं वेव, तरंग की, कि तरंग क्या होती है। जब भी कोई वाटर बॉडी के अंदर किसी प्रकार का वाटर फ्लो होता है तो वाटर फ्लो होने में दो प्रकार की चीज़ें काम करती हैं, एक मीडियम का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना या विक्षेपित होना। मीडियम का एक स्थान से दूसरे स्थान विक्षेपण दो प्रकार का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। अगर विक्षेपण केवल वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल ना हो, तो उसे तरंग कहते हैं। ये पहला फर्क है, जल का, पानी का, समुद्र के अंदर पानी का विक्षेपण केवल हॉरिजॉन्टल है, यानी पानी ऊपर उठा नीचे गिरा, ऊपर उठा नीचे गिरा, लेकिन आगे मूव नहीं कर रहा है, उसे कहते हैं तरंग। तो जल के विक्षोभ के लिए दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसमें एक होता है पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, और इस तरह की गति के लिए उसमें ऊर्जा का होना, बिना ऊर्जा के तो ये संभव ही नहीं है। तो एनर्जी होनी चाहिए और जल का विक्षेपण होना चाहिए। तरंग एकमात्र ऐसी जल की ऐसी गति है जिसमें माध्यम के कण वर्टिकल विक्षेपित होते हैं, ऊपर से नीचे विक्षेपित होते हैं, लेकिन तरंग में मीडियम आगे नहीं बढ़ता, मतलब पानी आगे नहीं जाता, केवल पानी ऊपर और नीचे होकर रह जाता है। आगे फिर क्या निकल जाता है, एनर्जी। एनर्जी आगे चली जाती है, जब भी पानी में पत्थर मारते हैं तो एक गोल तरंग वहाँ से उठती है जहाँ पत्थर गिरा और किनारे तक जाती है। तो जब किनारे तक जाती है तो उसमें पानी आगे नहीं जाता, केवल एनर्जी आगे जाती है। जहाँ जहाँ से वो एनर्जी गुजरती है वहाँ वो पानी ऊपर और नीचे विक्षेपित होता है, यानी केवल और केवल वर्टिकल मोशन होता है पानी में, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होता। क्लियर हुआ, इसको कहते हैं तरंग। दूसरे नंबर पे आता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट मीन्स प्रवाह। पानी जब धीमी गति से आगे बढ़े, पानी अगर धीमी गति से आगे बढ़े तो उसे कहते हैं प्रवाह। प्रवाह के पीछे मुख्य फैक्टर होता है हवाओं का चलना। जब तेज गति से समुद्र के ऊपर से हवाएं गुजरती हैं तो हवाएं अपने साथ पानी को लेकर, हवाएं अपने साथ पानी को आगे बढ़ाने का प्रयास करती हैं। तो ड्रिफ्ट शब्द केवल और केवल सागर की ऊपरी सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखेंगे, ड्रिफ्ट में समुद्र के ऊपरी सतह का पानी एक स्थान से दूसरे स्थान धीमी गति से जाता है, और इस जल गति के लिए मुख्य फैक्टर या मुख्य रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या हैं, वो हैं चलने वाली हवाएं। जो हवाएं होती हैं विशेष रूप से, कौन सी हवाएं, सनातनी हवाएं, प्रिवेलिंग विंड्स या स्थाई पवने। स्थाई पवने तीन प्रकार की आपने पढ़ी, कौन सी तीन प्रकार की, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स। इनमें से वेस्टर्लीज मुख्य रूप से समुद्र के अंदर ड्रिफ्ट के लिए जिम्मेदार होती हैं।
विशेष रूप से कौन सी विंड? वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज ही ड्रिफ्ट का कारण है। तो स्थायी पवनों के कारण जब कभी समुद्र के ऊपर का जल हवा के साथ साथ आगे बढ़ता है तो उसे कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट के बाद से अगला तीसरा नंबर आता है करंट। करंट में क्या होता है? समुद्र का पानी थोड़ी गहराई तक आगे बढ़ता है। करंट में समुद्र का पानी थोड़ी गहराई तक आगे बढ़ता है, ऊपरी भाग में लगभग 400 मीटर तक। समुद्र की गहराई में 400 मीटर तक समुद्र का पानी अगर आगे बढ़े और उसकी गति अपेक्षाकृत तेज हो, कितनी तेज हो सकती है इसकी गति? लगभग 5 नॉट तक हो सकती है। 5 नॉट मतलब 5 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉट या 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1852 मीटर। 1852 मीटर का 1 नॉटिकल माइल होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्या कि समुद्री जल धाराओं की अधिकतम गति कितनी हो सकती है, तो आप क्या कहेंगे? 5 नॉटिकल मील। 5 नॉटिकल मील मतलब लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई? लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटा 1852 में गुणा करो 5 का, तो लगभग आपको 9000 मीटर के आसपास मिल जाएगा। मीन्स 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये समुद्री जलधाराओं की गति होती है। ये गति उन धाराओं की होती है जो ऊपरी लेवल पे पाई जाती हैं। समुद्र के ऊपर का लेवल 400 मीटर तक माना जाता है। तो समुद्र के 400 मीटर तक की गहराई में चलने वाली धाराएं उनकी अधिकतम गति 5 नॉट हो सकती है। तो धारा और प्रवाह में अब अंतर समझ में आया आपको? प्रवाह केवल कहाँ चलता है? सरफेस पर। प्रवाह सरफेस पर पानी का एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। तरंग सरफेस के पानी का विक्षेपित होना, डिस्टर्बेंस होना, उसमें डिस्टर्ब होना, उसमें मीडियम आगे नहीं जाएगा, पानी आगे नहीं जाएगा, पानी केवल ऊपर नीचे हिलेगा, एनर्जी आगे जाएगी। तो सबसे पहले तरंग में हमने क्या देखा? केवल एनर्जी मूव कर रही है। मीडियम पार्टिकल ओनली मूव्स टुवार्ड्स अप एंड डाउन। ओनली वर्टिकल मोशन होगा, हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा। नेक्स्ट वन आए हम ड्रिफ्ट पर। तो ड्रिफ्ट में क्या देखा कि सरफेस का पानी आगे बढ़ रहा है बहुत धीमी गति से। सरफेस का पानी आगे बढ़ रहा है धीमी गति से, तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। और इसके बहने के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? प्रेवेलिंग विंड्स, स्थाई पवनें इसके लिए मुख्य रूप से रिस्पॉन्सिबल हैं। स्थाई पवनों में भी सबसे ज़्यादा कौन सी? वेस्टर्लीज। इसके बाद अच्छा मैं वेस्टर्लीज शब्द बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ वेस्टर्लीज, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि वेस्टर्लीज सबसे तेज चलने वाली हवाएं हैं। वेस्टर्लीज ही सबसे तेज चलने वाली हवाएं हैं, इसीलिए वो ड्रिफ्ट का निर्माण करती हैं। इसके बाद फिर आता है करंट के बाद स्ट्रीम। स्ट्रीम मींस महाधारा। महाधारा मतलब धारा का और बड़ा रूप। धारा जस्ट लाइक एक नदी, जैसे नदी की गहराई होती है, नदी कुछ गहरी होती है और पूरा का पूरा वाटर सरफेस के ऊपर पूरा पानी आगे बढ़ता है, ठीक इसी प्रकार समुद्र के अंदर जब नदियों जैसा आकृति लेकर पूरी जलधारा आगे बढ़े गहराई तक, तो उसे कहते हैं स्ट्रीम धारा। और जब यही धारा बहुत तेज गति से आगे बहती है, बड़े आकार की होती है, तो उसे महाधारा कहते हैं। तो महाधारा की गति धारा से ज़्यादा होती है और चौड़ाई भी ज़्यादा होती है, यानी पानी की मात्रा भी ज़्यादा होती है, इसे कहते हैं महाधारा। तो ये जो मैंने बताया 5 नॉटिकल मील जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है करंट की, ये महाधारा की मिलेगी आपको। क्लियर हुआ? धाराओं की गति 5 नॉट से भी कम होगी। ड्रिफ्ट की गति कितनी होती है? ड्रिफ्ट की गति होती है मुश्किल से 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ड्रिफ्ट की गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ये करंट की हो सकती है। और जैसे ही हम स्ट्रीम की बात करेंगे तो ये 5 नॉटिकल मील यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हो सकती है। अगर हम बात करें समुद्र की गहराई में करंट के फ्लो होने की, तो समुद्र की गहराई में भी करंट फ्लो करती हैं, लेकिन चूंकि जब करंट गहराई में फ्लो करेगी तो ऊपर के पानी का प्रेशर रहेगा उस पर, नतीजा क्या होगा? जैसे जैसे नीचे जाओगे करंट फ्लो, स्पीड ऑफ करंट फ्लो कम होता चला जाएगा।
तो समुद्र की गहराई में 400 मीटर के नीचे अगर आप देखोगे समुद्र की गहराई में जाके, वहां भी पानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, तो वहां पर करंट का जो प्रवाह होता है वो ऊपर के प्रवाह की तुलना में, ऊपर का जो मैक्सिमम प्रवाह है, मैक्सिमम गति है, वो 5 नॉटिकल मील, उसका 1/10, लगभग 1/10, 1/10 कितना होएगा, आधा नॉटिकल मील, आधा नॉटिकल मील मतलब लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आई बात? तो करंट, अब देखो ड्रिफ्ट कितना चलेगा, 1 से 2 किलोमीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं है ड्रिफ्ट की चाल, वो भी ऊपर लेवल पे। और अगर नीचे करंट चल रही है तो उसकी चाल ऊपर के ड्रिफ्ट के लगभग बराबर होती है, ऊपर ड्रिफ्ट का वेग और नीचे करंट का वेग लगभग बराबर होता है, क्योंकि नीचे जितना नीचे पानी होगा प्रेशर उतना अधिक होगा और अधिक प्रेशर उसको चलने से रोकेगा, इसलिए नीचे चलने वाले करंट जो होते हैं उनकी चाल बहुत कम होती है, आधा नॉटिकल माइल के आसपास होती है। इसके बाद आता है फिर ज्वार। ज्वार में क्या होता है, देखो तरंग में समुद्र का एक भाग नदी के समान एक भाग आगे बढ़ता है, दोनों तरफ का पानी स्थिर होता है, बीच में एक पानी की धारा आगे बढ़ती है, लेकिन ज्वार में ऐसा नहीं होता। ज्वार में पूरा का पूरा समुद्र ऊपर उठता है, पूरा समुद्र ऊपर उठता है, जब चंद्रमा और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, जब ग्रेविटेशनल पावर ऑफ मून एंड सन दोनों मिलकर जब प्रयास करते हैं तो पानी को ऊपर उठा देते हैं, तो पानी जिस भाग में ऊपर उठता है उसके ठीक नीचे भी उसका उठता है और बीच का भाग दब जाता है। जहाँ का भाग दबता है उसे कहते हैं ईब यानी भाटा, और जहाँ का भाग उठ जाता है उसे कहते हैं ज्वार यानी टाइड। तो इस तरह से टाइड में केवल जल की एक धारा नहीं है, टाइड में पूरा का पूरा जल उठ जाता है। इसलिए कई बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि करंट और धारा और ज्वारीय धारा में क्या अंतर है। तो पहली बात तो ज्वार एक धारा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, टाइड कोई करंट नहीं है। टाइडल करंट अगर कह रहे हैं तो वो कोई करंट है ही नहीं, टाइड पूरा का पूरा समुद्र का पानी का ऊपर उठना है। किसी भी भाग में टाइड आता है तो आप देखेंगे पूरा का पूरा समुद्र ऊपर उठता है, लेकिन जब किसी भाग में करंट आती है तो आप देखेंगे समुद्र में बीच में एक नदी सी बह रही है, दोनों तरफ का पानी स्थिर है, बीच में नदी बह रही है, ऐसी कंडीशन को करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 कंडीशंस होती हैं जल गति की। वाटर मूवमेंट इन ओशियन, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मोशंस, और ये 5 टाइप ऑफ मोशंस आपके सामने लिखे हुए हैं। इसी प्रकार की, बस अब आपको ये दिमाग में ये रखना है कि जब भी हम कहें ड्रिफ्ट तो आपके मन में आना चाहिए केवल ऊपर सतह का तापमान आगे पीछे हो रहा है, ऊपर सतह का पानी आगे जा रहा है, और वो भी बहुत धीमी गति से। और तरंग में तो पानी आगे जा ही नहीं रहा, केवल पानी ऊपर नीचे हिल रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, एक सिंपल सी बातें जानकारी में होना चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है कि आखिर ये जितने प्रकार की 5 प्रकार की गतियां देखी, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, ये गतियां होती क्यों हैं, तो गतियों को प्रभावित करने वाले कारक, तो जल धाराओं को जलधारा को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग टू ओशियन करेंट्स, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ओशियनिक करेंट को प्रभावित करते हैं, या जल गतियों के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से हैं। तो देखिए आप वाटर बॉडीज़ को कैसे, वाटर को आगे पीछे कौन ले जाता है, इसके लिए कौन फैक्टर है, इसके लिए 5 फैक्टर हैं प्रमुख। नंबर 1 सूर्यातप या तापमान, टेम्परेचर, टेम्परेचर। नंबर 2 हवा, एयर, या एयर ना लिख के आप पवन लिखें, पवन गति। विंड मोशन, पवन और हवा, एयर और विंड दोनों में अंतर होता है। रुकी हुई हवा को हवा कहते हैं,
जब तक हवा रुकी हुई है तब तक हवा है, चलने लगे तो वो विंड कहलाती है, ठीक है। चलने वाली हवा को पवन कहते हैं, और रुकी हुई गैस, अगर वायुमंडल की गैसेज रुकी हुई अवस्था में होती हैं तो उन्हें हम हवा कहते हैं, और जब वो चलने लगती हैं तो उसे हम विंड या पवन कहते हैं। ये दोनों में बेसिक फ़र्क है, और हम रुकी हुई की तो बात कर नहीं रहे, हम चलने वाली की बात कर रहे हैं, इसलिए हम शब्द प्रयोग करेंगे पवन, पवन गति। तीसरा नंबर है सैलिनिटी, यानी लवणता, पानी की लवणता। चौथा कारक है गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशनल फोर्स। और पांचवा कारण है कोरियालिस बल। ये पांच कारण हैं जिनसे समुद्र में विभिन्न प्रकार के करंट उत्पन्न होते हैं। अब देखिए ये कैसे उत्पन्न करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, तापमान। क्या करता है तापमान? समुद्र का पानी किसी भाग में गर्म और किसी भाग में ठंडा होता है, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश ट्रॉपिकल जोन को, कर्क और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए उस भाग में पानी ज़्यादा गर्म होता है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में, पोलर एरिया में पानी ठंडा रहता है। अब आप लोग जानते हो अच्छे से, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो इक्वेटर है बीच में, इसके पास कर्क और मकर रेखा वाले भाग में सूर्य का प्रकाश तेज पड़ता है सामने से, इसलिए ये भागों में पानी गर्म होता है, और ऊपर के भाग में ये पोलर एरिया है, ऊपर नॉर्थ पोल नीचे साउथ पोल, तो पोलर एरिया पे पानी बहुत ठंडा होता है। तो अगर ऊपर से पानी आगे की ओर चले तो क्या कहेंगे हम, कि ठंडी धारा चल रही है, और जब इक्वेटर से पानी ऊपर की ओर जाए तो हम कहेंगे गर्म धारा चल रही है, स्वाभाविक है क्योंकि यहाँ गर्मी है। तो गर्म क्षेत्र से पानी आगे चलेगा तो गर्म धारा बहेगी, ठंडे क्षेत्र से पानी आगे चलेगा तो ठंडी धारा बहेगी, बस सिंपल सी बात है। तो अब प्रश्न उठता है कि गर्म पानी आगे कैसे बढ़ता है किसी भी भाग में। पानी को ले लीजिए आप, इसी जगह पर अगर मैं पानी भर दूं, किसी एक स्थान के पानी को मैं गर्म करूं और एक स्थान का पानी ठंडा रहे, तो जहां का पानी गर्म होगा, पानी गर्म होने के बाद फैलेगा तो उसका स्तर उठ जाएगा ऊपर। पानी गर्म होकर फैलता है, कितना फैल सकता है पानी गर्म होकर? अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक। 8 सेंटीमीटर तक पानी की लेयर ऊपर उठ सकती है गर्मी के कारण। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि पानी अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता है। ये अधिकतम है, डिपेंड करता है कि गर्मी कितनी मिल रही है। गर्मी ज़्यादा मिलेगी तो अधिकतम 8 सेंटीमीटर, नहीं तो 1 सेंटीमीटर भी उठ सकता है, 2 भी 3 भी 4 भी, ऐसे करके अधिकतम 8 सेंटीमीटर तक पानी उठ सकता है। तो समुद्र के जिस भाग का पानी गर्म होता है वहाँ गर्मी के कारण पानी ऊपर उठता है, और ऊपर उठेगा तो वो नीचे की ओर फैलेगा, स्वाभाविक है। तो जब नीचे की ओर फैलेगा तो गर्म पानी का प्रवाह नीचे की ओर होगा तो करंट बहना शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं गर्म जलधारा। तो ऐसे गर्म जलधारा यानी जो वार्म करंट हैं वो इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हैं। तो तापमान बहुत बड़ा फैक्टर है। जब गर्म पानी आगे बढ़ेगा ठंडे पानी की तरफ तो ठंडा पानी क्या करेगा? ठंडा पानी नीचे नीचे अंदर आएगा। गर्म पानी आगे जाएगा तो गर्म पानी का स्थान कौन लेगा? ठंडा पानी। तो गर्म पानी ऊपर से जाएगा और नीचे नीचे ठंडा पानी आगे की ओर आएगा। तो करंट जब नीचे चलें तो वो ठंडे पानी की करंट होंगी, ऊपर चलें तो गर्म पानी की करंट होंगी। इस तरह से एक साइकिल बनता है। तो ये है टेम्परेचर के कारण। दूसरा है पवनों की गति। जब हवाएं तेज गति से चलती हैं तो समुद्र के ऊपर के पानी को अपने साथ घर्षण से आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो हवाओं की दिशा में जब समुद्र का पानी का कोई भाग हवाओं के साथ साथ चलना शुरू कर देता है तो वो, हमने अभी बताया आपको, उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ड्रिफ्ट के चलने के पीछे मुख्य कारण पवनों की गति होती है। इसके बाद फिर आता है सैलिनिटी यानी लवणता। लवणता का मतलब ये होता है कि
हमने कल जाना था कि पानी खारा होता है, समुद्र का पानी, कहीं खारापन ज़्यादा तो कहीं कम होता है। जहाँ खारापन ज़्यादा होता है वहाँ डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पानी नीचे बैठ जाएगा, जहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पानी नीचे बैठ जाएगा, जहाँ डेंसिटी कम होगी वहाँ का पानी का सरफेस ऊपर रहेगा, नतीजा क्या होगा कि ऊपर से हवा फिर वाटर फ्लो करना शुरू कर देगा। तो लो डेंसिटी वाला पानी आगे की ओर बढ़ेगा और हाई डेंसिटी वाला पानी अंदर ही अंदर आगे की ओर चलेगा। तो लो डेंसिटी वाला सरफेस पर आगे बढ़ेगा, हाई डेंसिटी वाला अपोजिट डायरेक्शन में नीचे से आगे की ओर बढ़ेगा। इस तरह से एक साइकिल बन जाएगा। तो ऐसे करंट चलने लगेंगे लवणता के कारण, सैलिनिटी के कारण। चौथा फैक्टर है गुरुत्वाकर्षण। हम जानते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, पानी को खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण बल पानी को खींचने की कोशिश करेगा। इक्वेटर और पोल दोनों पर गुरुत्वाकर्षण में फर्क होता है। फर्क कितना होता है आपको पता है? पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गुरुत्वीय बल जी के लगभग बराबर होता है, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 9.81। 9.81 कहाँ है? 45 डिग्री अक्षांश पर। इसका मतलब उच्च अक्षांशों पर ज़्यादा होगा, निम्न अक्षांश पर कम होगा। इक्वेटर पर जी का मान लगभग 9.79 के आसपास होता है और पोल्स पर यही मान 9.83 के आसपास होता है। दोनों का एवरेज कर दो आ गया 9.81, इसीलिए हम 9.81 याद रखते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पोल्स पर पृथ्वी चपटी है और इक्वेटर पर पृथ्वी चौड़ी है। इक्वेटर का जो डायमीटर है वो कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। इक्वेटर का डायमीटर मतलब ये आपका इक्वेटर है। अगर मैं यहाँ से एक रॉड घुसेड़ूँ और सीधे इक्वेटर पे ही यहाँ निकल जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये है 12,756 किलोमीटर। और एक रॉड यहाँ से घुसेड़ूँ मैं एक पोल से और दूसरे पोल से निकालूँ तो ये कहलाएगा पोलर डायमीटर। पोलर डायमीटर है 12,714 किलोमीटर। दोनों में कितना फ़र्क हुआ? 12,756 और 12,714, दोनों में 42 किलोमीटर का अंतर है। 42 किलोमीटर डिफरेंस है बिटवीन पोलर डायमीटर एंड इक्वेटोरियल डायमीटर। दोनों में 42 किलोमीटर का फर्क है। और 42 किलोमीटर इट मींस परीक्षा में अगर प्रश्न आता है कि पोलर रेडियस और इक्वेटर रेडियस, इक्वेटोरियल रेडियस में कितने किलोमीटर का फर्क है तो कितना बोलोगे? 42। डायमीटर में फ़र्क है, मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ। रेडियस 21 किलोमीटर हो जाएगी, डायमीटर की आधी होती है ना रेडियस। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, त्रिज्या का दोगुना कर दो तो व्यास हो जाता है। तो जब दोनों के व्यास में डायमीटर में 42 किलोमीटर का अंतर है तो त्रिज्या में 21 किलोमीटर का फर्क होगा। तो बस यही फर्क होने के कारण पोल का जो पानी है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा लगता है पृथ्वी का, और इक्वेटर पर जो पानी है उस पर गुरुत्वाकर्षण उसकी तुलना में कम लगता है। एक तो पोल पर गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा है तो पानी नीचे बैठ जाता है, इक्वेटर पर गुरुत्वाकर्षण बल है तो पानी अपेक्षाकृत ज़्यादा ऊंचा रहेगा। नतीजा क्या होगा? पोल पर पानी नीचे बैठ गया, इक्वेटर का पानी थोड़ा फैला हुआ है तो इक्वेटर से पानी जलधारा पोल की ओर चलना शुरू कर देगी। किस कारण से? ग्रेविटी के कारण। इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल अफेक्ट। और लास्ट है कोरियालिस बल। कोरियालिस बल क्या करता है? बताया था आपको कोरियालिस बल का काम क्या है? हवाओं को घुमाना। तो अकेली हवाओं को नहीं घुमाएगा, ये पानी को भी घुमा देगा। जो भी तरल मूव कर रहा है आगे की तरफ, कोई भी तरल पदार्थ अगर मूव कर रहा है, चाहे वो गैसें हों अथवा पानी हो, कुछ भी हो, लिक्विड हो या गैस हो, दोनों ही तरल हैं, दोनों ही आगे बढ़ते हैं, तो दोनों को कोरियालिस फोर्स घुमाएगा। हवाओं को उत्तरी गोलार्ध में किधर घुमा रहा था? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एयर मूवमेंट किस तरह से हो रहा था कोरियालिस फोर्स के कारण? चलने की दिशा के राइट में, राइट साइड में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलने की दिशा के राइट साइड में, इसीलिए ये बताया था आपको। ये वाला जोन कैसा है? ट्रॉपिकल। इसमें ये चलती हैं व्यापारिक हवाएं और इधर चलती हैं पछुआ यानी वेस्टर्लीज। तो देखिए वेस्टर्लीज ऊपर जा रही हैं चलने की दिशा के राइट साइड में टर्न हो गई, और ये देखिए ये नीचे आ रही हैं तो इनका राइट साइड, नीचे जाते हुए राइट साइड इधर होगा।
तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये है इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर के भाग में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलने की दिशा के राइट साइड में टर्न करती हैं, ठीक इसी प्रकार जल धाराएं भी राइट साइड में टर्न करेंगी। तो बताइए पूरा जो सर्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा धाराओं का वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ऊपर का बनेगा, जल धाराओं का सर्कुलेशन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। ऐसे ही नीचे देखिए, नीचे ये हवाएं चल रही हैं चलने की दिशा के दक्षिणी गोलार्ध में, चलने की दिशा के बाईं ओर मुड़ जाती हैं, लेफ्ट साइड में टर्न करती हैं। ये ऊपर जा रही हैं तो लेफ्ट ये होगा, इधर टर्न कर गई, नीचे जाएगी तो लेफ्ट ये होगा, ऐसे टर्न कर जाएंगी। क्लियर हुआ? अब देखिए नीचे अगर जल धारा चलेगी तो किस डायरेक्शन में चलेगी, ये कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज है ना, अरे क्लॉकवाइज ही होता है। घड़ी किधर चलती है, इधर चलती है कि इधर चलती है? घड़ी ऐसी चलती है ना, तो उसको क्लॉकवाइज कहेंगे। तो ये देखिए ये धारा कहाँ जा रही है, नीचे ऐसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की धारा कहाँ जा रही है? क्लॉकवाइज। बस इतना याद रखना है आपको, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सभी जल धाराएं क्लॉकवाइज मूव करती हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में सभी धाराएं एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? ये बस एक सूत्र है याद रखेंगे, जल धाराएं आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगी। तो कोरियालिस बल का काम क्या है? कोरियालिस फोर्स के कारण सिर्फ जिस तरह से पवने गति करती हैं और पवने अपने साथ धाराओं को ले जाती हैं, धाराओं को आगे बढ़ने में पवन सहायक होती हैं, सहायता करती हैं, तो जिस तरह से पवन मूव करती हैं, जिस तरह से विंड मूव करती है दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक इसी प्रकार दोनों हेमिस्फीयर में हमारी करंट भी मूव करेंगी, वाटर करंट भी मूव करेंगी, सेम वही डायरेक्शन होगी दोनों की। क्लियर हो गया? ये हो गए पांच वो फैक्टर जो ओशनिक करंट के फ्लो होने में मददगार साबित होते हैं, इनके कारण ही ओशनिक करंट चलते हैं। ये परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो ओशनिक करंट के चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वो ये पाँच फैक्टर हैं। ठीक है, पांच प्रकार के वाटर मोशन हो गए, वाटर मूवमेंट पांच प्रकार का होता है, और उन मोशन को करने में कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये पांच फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ गया? तो टेम्परेचर के कारण पानी कितना ऊपर उठ सकता है, अधिकतम 8 सेंटीमीटर। जल धाराएं आगे बढ़ती हैं तो अधिकतम कितनी स्पीड से चल सकती हैं सरफेस पर? 5 नॉटिकल माइल। अंदर आधा नॉटिकल माइल, सरफेस पर 5 नॉटिकल माइल। क्लियर है? कोरियालिस बल के कारण जल धाराएं उत्तरी गोलार्ध में चलेंगी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में चलेंगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, क्लियर हुआ? इतना समझ में आ गया? अब हमें ये पढ़ना है कि समुद्र में कौन कौन सी जल धाराएं चलती हैं। सिंपल सी बात है, समुद्री जल धाराओं को पढ़ते समय हमें क्या याद रखना है कि समुद्री जल धाराओं को हमें हमेशा कैसा चलाना है, उत्तरी गोलार्ध में चलाएंगे तो सर्कल कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। दक्षिणी गोलार्ध में चलाएंगे तो सर्कल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर इक्वेटर टू पोल ले जाएंगे तो धारा गर्म होगी कि ठंडी होगी? गर्म होगी, क्योंकि इक्वेटर पर गर्मी सबसे ज़्यादा होती है। और जब पोल से इक्वेटर की तरफ लाएंगे तो धारा कैसी होगी? ठंडी, क्योंकि पोल पर ठंडक होगी, तो इसलिए ऊपर से ठंडी जल धारा आएगी, ऊपर से नीचे ठंडी आएगी और नीचे से ऊपर गर्म जाएगी। यही अगर साउथ में बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में नीचे से ऊपर गर्म आएगी कि ठंडी आएगी? ठंडी आएगी, नीचे दक्षिणी ध्रुव से ऊपर की तरफ ठंडी आएगी और ऊपर से नीचे गर्म आएगी। क्लियर हुआ? ये देखिए आप, अगर इक्वेटर से हवा चलेगी तो इक्वेटर से उत्तरी गोलार्ध में ऊपर जाएगी, इक्वेटर से ऊपर जाएगी और इक्वेटर से दक्षिणी गोलार्ध में नीचे आएगी। क्लियर हुआ? तो इक्वेटर से चलने वाली जल धाराएं ऊपर की ओर चलती हैं तो गर्म कहलाती हैं, नीचे की ओर चलती हैं तो भी गर्म कहलाती हैं। क्लियर हुआ? इक्वेटर से चल रही है ना, तो इक्वेटर चलेंगी तो वो गर्म कहलाएंगी। दूसरी बात, पृथ्वी कैसा मूव करती है? पृथ्वी ऐसा मूव करती है, कैसा? वेस्ट टू ईस्ट, ऐसा मूव करती है। तो वेस्ट टू ईस्ट माने ये पृथ्वी का मूवमेंट इस तरह से होगा, जब पृथ्वी इधर घूमेगी तो जल धाराएं उल्टी दिशा में घूमेंगी, पृथ्वी अगर चलेगी तो जल धाराएं उसका उल्टा चलेंगी। ये पृथ्वी है,
अगर पृथ्वी इस तरह से मूव कर रही है, आप देखिए, अगर पृथ्वी का मूवमेंट इस तरह से है, ऐसा, ये है पृथ्वी का मूवमेंट इधर की तरफ, तो वेस्ट टू ईस्ट जलधाराएं कहाँ चलेंगी? ईस्ट टू वेस्ट। पृथ्वी के चलने के कारण जलधाराओं में जो गति उत्पन्न होगी वो होगी इधर से इधर, ये बात समझ में आई? इधर से इधर गति उत्पन्न होगी, तो पृथ्वी के चलने के कारण जो गति उत्पन्न होगी ये होगी इक्वेटर पर। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से होती है, इक्वेटर से। तो इक्वेटोरियल जो मूवमेंट होगा वो पृथ्वी के अपोजिट होगा, पृथ्वी ऐसी घूमेगी, इक्वेटोरियल मूवमेंट ऐसे होगा। तो इसीलिए जब इक्वेटर पर दो जल धाराएं चलेंगी, अगर इक्वेटर पर धारा चलेगी तो कैसी चलेगी? देखिए, इक्वेटर पर मूवमेंट होगा इस तरह से। क्यों होगा इस तरह से? क्योंकि पृथ्वी चल रही है इधर, समझ में आई बात? पृथ्वी इधर चलेगी तो जलधाराएं विपरीत दिशा में चलेंगी, यही होता है ना। समुद्र में कभी आपने ध्यान दिया, स्टीमर तेज गति से आगे जाता है तो धाराएं पीछे आएंगी। पानी जो होगा, अब तालाब में आप वोटिंग करते हो तो वोटिंग करते समय देखिए आप, स्टीमर आगे जाएगा तो पानी पीछे की ओर आएगा। जब हम तैरते हैं तो तैरते समय हम क्या करते हैं? आगे बढ़ने के लिए पानी को कहाँ खींचते हैं? पीछे। तो हाथ कैसे मारते हैं? ऐसा, ऐसे तो हाथ चलाते हैं, इस तरह से। तो जब हम नाविक, जब कोई भी तैराक तैरता है तो वो पानी को पीछे फेंकता है। पानी जब पीछे जाएगा तब आपकी बॉडी आगे जाएगी, न्यूटन के तीसरे नियम से, क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। इसी तरह से पंखा अगर इधर चलेगा तो हवा उल्टी दिशा में मूव करती है, पंखा इधर चलेगा तो हवा को काटेगा, तो हवा उतना ही विरोध करेगी चलने का, तो हवा विपरीत दिशा में बहना शुरू कर देती है। अभी आपके ऊपर जो पंखा चल रहा है, जिस दिशा में फैन चल रहा है, हवा उसकी उल्टी दिशा में चल रही है। तो ये प्रकृति का नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम है, और उसी नियम पर धाराएं भी चलती हैं। तो जब पृथ्वी इधर घूम मूव करेगी तो धाराएं उल्टा मूव करती हैं। इसलिए इक्वेटर पर चलने वाली सभी धाराएं की दिशा क्या होती है? ईस्ट टू वेस्ट। पृथ्वी कैसी चलती है? वेस्ट टू ईस्ट। समझ में आई बात? तो अब शुरुआत करते हैं हम कि किस तरह से जलधाराएं आगे पीछे चलती हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं जलधाराओं की, कि जलधाराएं किस प्रकार आगे पीछे चलती हैं। देखिए, हमारे पास कुल मिला के कितने समुद्र हैं? तीन ओशियन हैं, महासागर तीन ही है ना। उन तीन महासागरों में इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन के दो भाग करो तो नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। अटलांटिक के दो भाग करो, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक। और इंडियन ओशियन में तो ये कई भाग है, केवल साउथ। इंडियन ओशियन का तो केवल साउथ है, नॉर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि नॉर्थ में तो क्या है? वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी, ठीक। बाकी इंडियन ओशियन तो नीचे ही है। तो आइए ये देखिए, इंडियन ओशियन आपके सामने बना हुआ है, ये कौन सा है? फिर नॉर्दर्न पैसिफिक है। शुरुआत इंडियन ओशियन से करें, सदर्न पैसिफिक, पैसिफिक कंप्लीट, नॉर्दर्न अटलांटिक, सदर्न अटलांटिक, अटलांटिक, ये कहाँ गया? इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन देखिए आप। इंडियन ओशियन में जब करंट चलेंगी तो शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? शुरुआत करंट की कहाँ होगी? अगर हम बात करें इक्वेटर पर, तो देखिए आप इक्वेटर पर कैसे चलेंगे करंट? इक्वेटर पर करंट का फ्लो ये होगा। अब ये इक्वेटर के नीचे चल रही है, तो इक्वेटर के नीचे मतलब साउथ में, इक्वेटर के ऊपर मतलब नॉर्थ। तो इक्वेटर के नीचे चल रही है तो उसको बोलेंगे दक्षिण विषुवत जलधारा। हिंदी में बोलेंगे दक्षिण विषुवत, विषुवत रेखा माने भूमध्य रेखा। हिंदी में भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी कहते हैं, उसी को हम इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा? साउथ इक्वेटोरियल करेंट, ठीक है, ये साउथ इक्वेटोरियल करेंट है। तो चूंकि नीचे चल रही है इसलिए साउथ, इक्वेटर के पैरेलल चलेगी, आगे की ओर बढ़ेगी। क्यों पैरेलल चल रही है? क्योंकि पृथ्वी ऐसा घूम रही है, तो इसलिए करंट इस दिशा में जाएगी, ईस्ट टू वेस्ट जाएगी। तो ये नीचे चलने वाली, ये क्या कहलाएगी? इक्वेटोरियल,
ये साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगी। अब जब ये आगे बढ़ती है तो दो भागों में बढ़ती है, एक भाग चला जाता है ये मोजाम्बिक चैनल की तरफ, ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर के साइड में ये क्या है अफ्रीका, अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल है, और एक यहाँ पर अंगुलहास नामक अंतरीप है, अंतरीप मतलब जिसको कैप कहते हैं, किस पृथ्वी के ऐसे भाग जो समुद्र के अंदर घुसे हुए हैं, तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, तीन ओर से समुद्र से घिरे हुए, उनको कैप कहते हैं। कैप मतलब पृथ्वी का निकला हुआ कोना, उसको कैप कहा जाता है। तो ये जो कैप है अंगुलहास, ये यहाँ अंगुलहास कैप है नीचे की तरफ, उसी के कारण यहाँ से चलने वाली करंट का नाम पड़ा अंगुलहास करंट। और एक करंट इधर से निकल जाती है मेडागास्कर के दोनों तरफ से करंट, ये ऊपर से आने वाली दक्षिण विषुवत जलधारा दो भागों में बट जाती है, एक भाग अंगुलहास करंट के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग मोजाम्बिक जलधारा के नाम से जाना जाता है। देखिए मोजाम्बिक कायदे में इसको कहना चाहिए था क्योंकि ये मोजाम्बिक चैनल है, लेकिन मोजाम्बिक इसको कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ भी तो एक नाम देना था, तो यहाँ के लिए अंगुलहास नाम दे दिया। अंगुलहास एक कैप है, कैप जैसे ये कैप निकला हुआ है बाहर की ओर निकला हुआ कॉर्नर, उसको कैप हिंदी में कहते हैं अंतरीप। तो अंतरीप जो होता है ऐसा ही अंगुलहास अंतरीप है यहाँ नीचे की तरफ, उसके नाम से इस जलधारा को नाम दिया अंगुलहास जलधारा, और इधर वाली जलधारा को नाम दिया मोजाम्बिक जलधारा। अब आपसे कोई परीक्षा में प्रश्न आए कि अंगुलहास जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा ये कैसी जलधारा है, ठंडी या गर्म? गर्म, ऊपर से आ रही है ना, ऊपर से आएंगी तो गर्म, इक्वेटर से आ रही हैं तो गर्म होंगी, सीधी सी बात है। इसके बाद यही जलधारा जब आगे बढ़ती है तो देखिए अब आगे बढ़ेगी तो ये पहुंच गई कहाँ, पृथ्वी के किस भाग में, ये पहुंच गई 45 डिग्री के ऊपर, और जब 45 डिग्री के ऊपर जब यहाँ पर यहाँ पहुँच जाती है तो यहाँ ये हो जाती है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब ये आगे बढ़ती है तो इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। कोई भी जलधारा जब हॉरिजॉन्टल आगे बढ़ती है तो उसको ड्रिफ्ट कहा जाता है, बस ये याद रखना आप। तो ये ड्रिफ्ट है, तो कौन सा ड्रिफ्ट कहलाएगा बताइए, कौन से महासागर में है? इंडियन ओशियन में है। इंडियन ओशियन का ये ड्रिफ्ट है तो आप क्या कहोगे, इंडियन ओशियन ड्रिफ्ट, हिंद महासागरीय प्रवाह, इसको कहेंगे हिंद महासागरीय प्रवाह, हिंद महासागर में चलने वाला ड्रिफ्ट। तो ये ड्रिफ्ट कहाँ जाएगा, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये क्लियर हुआ, इनकी डायरेक्शन है ये, ये तो ड्रिफ्ट चलेगा, चूंकि अब पूरा सर्कुलेशन कैसा होना है, ये कौन सा गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, सदर्न हेमिस्फीयर में कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं मोशन, कोरियालिस फोर्स से, तो कोरियालिस फोर्स के कारण ये ड्रिफ्ट आगे बढ़ेगा, कोरियालिस फोर्स आगे बढ़ाएगा, और इसी तरफ कोरियालिस फोर्स के कारण हवाएं चल रही हैं, कौन सी, वेस्टर्लीज, तो वेस्टर्लीज भी इसी डायरेक्शन में है ना, वेस्टर्लीज का डायरेक्शन ये है, उसी दिशा में ये ड्रिफ्ट चलेगा, तो इसे कहेंगे इंडियन ओशनिक ड्रिफ्ट। क्लियर हुआ? इसके बाद यही आगे बढ़कर अब कहाँ चली जाएगी, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, तो ये क्या कहलाएगी, कौन सी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी होगी कि गर्म, ठंडी, नीचे से ऊपर आ रही है ठंडी, बस सिंपल याद रखना है। अगर पोलर एरिया से ऊपर आ रही है, पोलर एरिया की तरफ से आ रही है तो ठंडी, इक्वेटर की तरफ से आ रही है तो गर्म, बस इतना याद रखना है। तो ये हो गई ठंडी जलधारा। क्लियर हुआ, समझ में आया, बस इतनी धारा आपको याद रखनी है इंडियन ओशियन की, ठीक है, मुख्य मुख्य धाराएं ही आपको याद रखनी है। तो इंडियन ओशियन की ये चार पांच धाराएं हो गई, अंगुलहास, मोजाम्बिक, और ये हो गया ड्रिफ्ट, ये हो गया दक्षिण विषुवत जलधारा, और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। तो इनमें से ठंडी कौन सी है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। ठंडी धाराएं बहुत कम हैं और गर्म धाराएं बहुत ज़्यादा हैं, तो अगर आप ठंडी धाराएं याद रखोगे तो गर्म धारा याद रखना आसान हो जाएगा, केवल ठंडी याद रखो बस, बाकी जितनी बच गई वो सारी गर्म है। क्लियर हुआ, समझ में आई बात? तो ये इंडियन ओशियन की जलधारा हमने पढ़ ली विद्यार्थियों। इसके बाद अब आएगा पैसिफिक ओशियन करंट। विद्यार्थियों अब हम बात करते हैं पैसिफिक ओशियन की। पैसिफिक ओशियन में सबसे पहले नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन की बात करें हम, और नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में जब भी जलधाराएं चलेंगी तो किस तरह से चलेंगी आप देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत हमें वहीं से करनी है, इक्वेटर से। ये इक्वेटर के ऊपर से चल रही है तो इसलिए क्या कहलाएगी, ये गर्म जलधारा है,
इसका नाम कैसे पड़ेगा, चूंकि इक्वेटर के नॉर्थ में है तो ये नॉर्थ नॉर्थ वाली इक्वेटोरियल करंट कहलाएगी, तो उत्तर विषुवत जलधारा लिखा हुआ है। इसके चलने की दिशा क्या होगी, ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए चलेगी उल्टी दिशा में। तो इस तरह से ये शुरुआत हुई गर्म जलधारा से। अच्छा एक बात देखिए आप, आखिर क्या कारण है कि इक्वेटर पर जलधाराएं बिल्कुल सीधी चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं, क्या कारण है? क्योंकि इक्वेटर पर कोरियालिस बल जीरो होता है, इक्वेटर पर कोरियालिस बल जीरो होता है, इसीलिए ये इक्वेटर पर आगे बढ़ती हैं तो पैरेलल चलती हैं, ये घूम नहीं पाती हैं एकदम से, घूमने में इन्हें टाइम लगता है। जब इन पर कोरियालिस बल का प्रभाव होता है थोड़ा सा आगे चलकर, तब ये टर्न करती हैं, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज चलना शुरू करती हैं। अब ये चूंकि कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियालिस बल किस तरह से काम करेगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ये सभी धाराएं क्लॉकवाइज घूम जाएंगी, इस तरह से चलेंगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले शुरुआत होती है क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा आगे चलकर देखिए कहां पर आगे जा रही है। क्यूरोशियो ये नाम पढ़कर ही समझ में लगता है जापानी नाम है, तो ये जापान के तट से होकर गुजरती है क्यूरोशियो की जलधारा। जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो गर्म होगी या ठंडी, गर्म जलधारा होगी, स्वाभाविक है, तो गर्म जलधारा है तो क्यूरोशियो की गर्म जलधारा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, जापान के तट से होकर जा रही है, यही दो भागों में बट जाती है, एक शाखा ऊपर निकल जाती है क्यूरोशियो की, और इसी की एक शाखा सुशीमा के नाम से जापान के तट के पास से यहाँ इधर तरफ बहने लगती है, ये डायरेक्शन इसकी थोड़ी चेंज हो जाती है, बाकी ये ऊपर निकल जाती है। जब ये ऊपर निकल जाएगी क्यूरोशियो की शाखा, आगे चलकर ये इससे मिलती है ऊपर से आने वाली ओयोशियो की जलधारा, ओयोशियो की जलधारा ऊपर से आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी, तो ये ठंडी धारा ऊपर से आ रही है और नीचे से क्यूरोशियो की जलधारा आ रही है, तो ये धाराएं यहाँ पर आकर जब दोनों मिलेंगी तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्या करेंगी, गर्म और ठंडी जलधाराएं जब भी कहीं मिलती हैं तो वहाँ पर एक विशेष प्रकार की वनस्पति पैदा होती है जिसे कहते हैं प्लैंकटन, और प्लैंकटन जो होता है वो मछलियों के लिए वरदान है, उनका मुख्य प्रमुख भोजन है, तो जहाँ भी प्लैंकटन बनता है वहाँ सबसे ज़्यादा मछलियों का एक बैंक बन जाता है, बहुत ज़्यादा मछलियाँ अपने आप पैदा होती हैं वहाँ, तो मत्स्यायन के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र कहलाते हैं जहाँ गर्म और जल ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं। परीक्षा के लिए प्रश्न है कि जापान के आसपास कौन सी जलधारा मछलियों के लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल वनस्पति है प्लैंकटन, उसका निर्माण करती हैं, या दूसरे शब्दों में कहें गर्म और ठंडी कौन सी जलधाराएं मिलती हैं जहां जापान के पास, कि वहां पर दोनों प्रकार का, वहां पर दोनों प्रकार की धाराएं मिलती हैं गर्म और ठंडी, और उससे प्लैंकटन वनस्पति उत्पन्न होती है जो मछलियों के लिए प्रमुख भोजन का काम करती है, इसलिए वहां मछलियों का एक बैंक बन जाता है बड़ा, तो वो है क्यूरोशियो और ओयोशियो की धारा, दोनों मिलती हैं इस जगह पर, तो वहां बन जाता है एक बहुत बड़ा क्षेत्र, तो यहां बन गया मत्स्य के लिए अनुकूल क्षेत्र। इसके बाद एक और ऊपर से धारा आती है क्यूराइल की धारा, यह भी ठंडी है, ओयोशियो भी ठंडी है, क्यूराइल की धारा भी ठंडी है, दोनों धाराएं ऊपर से आई और यहां से अब करंट ये कैसा फ्लो करेगी, अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगी तो क्या कहलाएगा, ड्रिफ्ट, मैंने आपको बताया था ड्रिफ्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल फ्लो करेगा, तो ये कौन सा ड्रिफ्ट कहलाएगा, उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से जाना जाएगा, नॉर्दर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट है, हॉरिजॉन्टल चल रहा है, ड्रिफ्ट हमेशा इक्वेटोरियल करंट के विपरीत दिशा में फ्लो करते हैं, इक्वेटोरियल करंट कहाँ जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट, और ड्रिफ्ट कहाँ जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, तो ये ड्रिफ्ट बन गया। अब यहाँ से ये बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगी, धीमी गति से आगे बढ़ते हुए इसकी दो शाखाएँ बढ़ जाएंगी, एक शाखा ऊपर चली जाएगी अलास्का और दूसरी शाखा नीचे की आएगी कैलिफोर्निया, तो जो नीचे की ओर आ रही है कैलिफोर्निया ये कैसी होगी, ठंडी, ऊपर से नीचे आ रही है इसलिए ठंडी, तो यहाँ ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हो गई, नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में तीन जलधाराएं ठंडी हो गई, ओयोशियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया शब्द कहाँ प्रयोग किया जाता है, अमेरिका में, अमेरिका का एक स्टेट है कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया के पास से होकर गुजर रही है इसलिए कैलिफोर्निया धारा कहलाती है। इसके बाद ये धारा आगे बढ़ती है और एक पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेती है, तो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन में
तीन ठंडी जलधाराएं याद रखेंगे, ओयोशियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया। इसके बाद की जितनी भी हों सब गर्म दिमाग में रखो, केवल ठंडी याद रखनी है बस। उधर ठंडी कौन सी थी इंडियन ओशियन में? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ठंडी थी। यहाँ पर तीन ठंडी हो गई, ओयोशियो, क्यूराइल और कैलिफोर्निया, बाकी सब गर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, साउथ पैसिफिक, दक्षिण प्रशांत महासागर। अब दक्षिण प्रशांत महासागर में फिर से शुरुआत कहाँ से करेंगे? इक्वेटोरियल करंट से। इक्वेटोरियल करंट चूंकि साउथ की है इसलिए साउथ के नाम से जानी जाएगी, साउथ इक्वेटोरियल करंट कहलाएगी। प्रवाह इसका, इसका बहाव किस दिशा में होगा? ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट आएगी क्योंकि करंट का सर्कुलेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि साउथ में है, साउथ में एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ में क्लॉकवाइज। बस इतना याद रखना है, ऊपर जब भी करंट चलाओगे तो इस तरह से चलाओगे, नीचे करंट चलाओगे तो उल्टा दिशा में चलाओगे। हो जाएगा क्लियर? तो ये देखिए, ये आगे आई एंटी क्लॉकवाइज, आगे बढ़ती है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व से होकर गुजरती है तो क्या कहलाएगी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, ईस्टर्न करंट, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियाई करंट कहलाएगी ये। इसका स्वभाव कैसा होगा? गर्म या ठंडा? गर्म। तो ये गर्म जलधारा हो गई, ऊपर से नीचे आ रही है। आगे चल के फिर ये ड्रिफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये पैरेलल चलेगा ड्रिफ्ट। तो ये कौन सा ड्रिफ्ट है? सदर्न पैसिफिक ओशियन का ड्रिफ्ट है, इसलिए किस नाम से चलेगी? सदर्न पैसिफिक ड्रिफ्ट के नाम से चलेगी। आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते हुए अब ये कहाँ जा रही है? ये कौन सी जगह है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से होकर ऊपर गुजरेगी, क्या लिखा है? पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, पेरू के तट से होकर गुजर रही है इसलिए उसके नाम पड़ गया पेरू हम्बोल्ट जलधारा। इसी को हम्बोल्ट भी कहते हैं, इसी को पेरू कहते हैं। तो ये जलधारा चूंकि नीचे से ऊपर आ रही है कैसी होगी? ठंडी। तो ये ठंडी हो गई। क्लियर हुआ? ये हो गई ठंडी, ये जलधारा ठंडी है, गर्म नहीं है, ठंडी है ये। ये जलधारा ठंडी हो गई, ठीक। बाकी जलधारा ये वाली जलधारा गर्म हो गई, ये गर्म जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। ये कैसी है? गर्म प्रवाह, न ठंडा न गर्म प्रवाह। ड्रिफ्ट न ठंडा होता न गर्म होता, मिक्स्ड होता है, ठीक है। ड्रिफ्ट के लिए कभी गर्म और ठंडा प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर है? नेक्स्ट, ये पैसिफिक ओशियन की सभी धाराएं हो गई, जो हमने ऊपर की भी पढ़ ली और नीचे की भी पढ़ ली। तो अब आप देखिए पैसिफिक ओशियन में ठंडी जल धाराएं कौन कौन सी हैं? पेरू, ओयोशियो, क्यूराइल, कैलिफोर्निया। ये तीन धाराएं ऐसी हैं, जो चार धाराएं जो पैसिफिक ओशियन में ठंडी हैं, बाकी सारी की सारी गर्म, ठीक है। ड्रिफ्ट को गर्म और ठंडा नहीं बोला जाता, याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, नॉर्दर्न अटलांटिक। अब नॉर्दर्न अटलांटिक की बात कर रहे हैं हम। नॉर्दर्न अटलांटिक में विद्यार्थियों, सबसे पहले ये पूरा अटलांटिक ओशियन है इस तरह से, ये इक्वेटर के ऊपर की बात हो रही है। तो पूरा का पूरा जलधारा का चक्र सर्कुलेशन कैसा बनेगा? क्लॉकवाइज। शुरुआत होगी इक्वेटर के पास की, इक्वेटर के ऊपर का भाग है इसलिए बोलेंगे नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट। नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट आगे बढ़ेगी, क्लॉकवाइज मूव करना है। आगे बढ़ते हुए ये कन्वर्ट हो जाएगी एंटलीज करंट में, एंटलीज की धारा ही आगे बढ़ गई। इधर से फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, फ्लोरिडा के पास से आ रही है तो क्या कहलाएगी? फ्लोरिडा की जलधारा। फ्लोरिडा और एंटलीज दोनों मिलती हैं तो एक महाधारा में कन्वर्ट हो जाती हैं, किसमें? स्ट्रीम बन जाती है। अभी पढ़ाया था वेव के बाद ड्रिफ्ट के बाद करंट, और करंट से बड़ी, करंट का बड़ा रूप स्ट्रीम कहलाता है। तो देखिए दो करंट मिलने से एक स्ट्रीम बन गई, इसको कहते हैं गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि गल्फ स्ट्रीम की जलधारा किन दो धाराओं के मिलने से बनती है? तो एक है फ्लोरिडा की धारा और दूसरी है एंटलीज की धारा। इन दोनों धाराओं के मिलने से बन गई गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा कैसी होगी? गर्म, ठीक है। एंटलीज कैसी होगी? गर्म। फ्लोरिडा कैसी होगी? गर्म।
तो दो गर्म जलधाराएं मिल रही हैं, फ्लोरिडा और एंटलीज, तो बन गई एक एक महाधारा स्ट्रीम बन गई, गल्फ स्ट्रीम। तो ये कैसी रहेगी? गर्म। ऊपर से आएगी ठंडी जलधारा लैब्राडोर, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा ये ऊपर से देखी आप आ रही है। कहाँ से? ये कौन सा भाग है? ये कौन सा है? ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड से होकर धारा आ रही है, ठंडी जलधारा है। लैब्राडोर नामक स्थान से, लैब्राडोर सागर है यहाँ पर, इसके पास से आ रही है, इसलिए आकर जहाँ मिलती है इस जगह पर गर्म और ठंडी दोनों जलधाराएं मिलती हैं। नीचे से आने वाली गल्फ स्ट्रीम, ऊपर से आने वाली ठंडी लैब्राडोर, दोनों जहाँ मिलेंगी वहाँ बनेगा फॉग। गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वहाँ फॉग का निर्माण होता है और वहीं पर फ्रंट बनते हैं और चक्रवातों का जन्म होता है। बताया था आपको, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ बनेगा फ्रंट यानी वाताग्र, और वहाँ कोहरा छा जाएगा। कहीं भी किसी भी जगह अगर गर्म और ठंडी धाराएं मिल जाती हैं तो कोहरा, घना कोहरा छा जाता है, और घना कोहरे में ही प्लैंकटन का निर्माण होता है जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। इसलिए वहाँ मछलियों का बहुत बड़ा झुंड जमा हो जाता है, इसीलिए मत्स्यायन के लिए सबसे अच्छे क्षेत्र कहलाते हैं। तो मत्स्यायन का सबसे बड़ा क्षेत्र अगर कोई है तो वो ये है, जिसे बोलते हैं ग्रांड बैंक। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांड बैंक का निर्माण कहाँ होता है? तो आप क्या कहोगे, ग्रांड बैंक का निर्माण कहाँ होता है, किस जगह पर, क्या बोला जाता है इस जगह को? जहाँ गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लैब्राडोर की ठंडी जलधारा दोनों मिलती हैं, तो इस जगह को क्या कहते हैं? न्यूफाउंडलैंड। न्यूफाउंडलैंड के पास, ये न्यूफाउंडलैंड है यहाँ, न्यूफाउंडलैंड के पास एक घना कोहरा छा जाता है और जो मछलियों के लिए अनुकूल है। यहाँ पर बनने वाले बैंक को, मछलियों का जो बैंक तैयार होता है उसे कहते हैं ग्रांड बैंक। परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में। तो ग्रांड बैंक का निर्माण कौन सी जलधाराएं करती हैं? तो आप कहेंगे गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा, दोनों जब दोनों कहाँ मिलती हैं? न्यूफाउंडलैंड में मिलती हैं। वहाँ पर दोनों धाराओं के मिलने से घना कोहरा छा जाता है और वहाँ मछलियों की संख्या अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि प्लैंकटन नामक वनस्पति वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा हो जाती है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ा मत्स्यायन का क्षेत्र है पूरे विश्व का, जिसे कहते हैं ग्रांड बैंक। ठीक है, ये ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। ऐसा ही एक बैंक और है जिसे कहते हैं डॉगर बैंक। इसी तरह का एक बैंक और है, वो बैंक डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है, और वो है ऊपर कहाँ? इंग्लैंड के पास। इंग्लैंड के पास बनता है एक डॉगर बैंक। तो परीक्षा में यहीं अभी आप नोट्स में यहीं लिख लेना, ग्रांड बैंक, डॉगर बैंक, ये दो बैंक जाने जाते हैं, बहुत फेमस हैं। डॉगर बैंक का निर्माण उत्तरी सागर में होता है, नॉर्थ सी में होता है। वहाँ नॉर्थ सी में डॉगर बैंक बनता है इंग्लैंड के पास में, वो भी मत्स्यायन के लिए बहुत बड़ा फेमस क्षेत्र है। एक बैंक बना था जापान के पास, अभी देखा था हमने, और एक और बैंक बनता है अर्जेंटीना के पास, अभी देखेंगे इसमें नीचे आएगा अर्जेंटीना के पास। चार बैंक हैं ये टोटल पूरे विश्व में, चार बहुत बड़े फेमस बैंक हैं। उन चारों में सबसे बड़ा है ग्रांड बैंक, सेकंड नंबर पे आता है डॉगर बैंक, थर्ड नंबर पे जापान वाला, और फोर्थ नंबर पर नीचे वाला। तो ये चार बैंक हैं, चार में से दो के नाम हैं, स्पेसिफिक नाम हैं। इसको बोलते हैं ग्रांड बैंक न्यूफाउंडलैंड के पास, और डॉगर बैंक नॉर्थ सी में इंग्लैंड के पास। ठीक है, इस तरह से हम जानेंगे। इसके बाद लैब्राडोर की ठंडी जलधारा ऊपर आई, अब यही दोनों धाराएं गर्म और ठंडी मिल गई, अब यहाँ से एक ड्रिफ्ट चालू होगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, इसलिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से आगे बढ़ेगा। ये दो शाखाओं में बट जाएगा, एक शाखा ऊपर चली जाती है इरमिंजर की जलधारा, और एक शाखा नीचे की ओर आ जाती है जिसे रेनिन जलधारा कहते हैं। इरमिंजर और रेनिन के नाम से दो शाखाओं में ड्रिफ्ट डाइवर्ट हो जाता है, तो जो नीचे की ओर आती है उसे कहते हैं रेनिन। रेनिन के जस्ट नीचे आएगी तो क्या बन जाएगी? कनारी। अब ये कनारी ये कैसी हो गई? ऊपर से नीचे आ रही है तो ठंडी हो गई। क्लियर है, ये ठंडी जलधाराएं हो गई। तो ये कनारी ठंडी जलधारा है विशेष रूप से, बिल्कुल देखिए स्ट्रेट नीचे की ओर आ रही है, तो ये कनारी जलधारा यहाँ ठंडी जलधारा के रूप में जानी जाएगी। लैब्राडोर ठंडी जलधारा, ये दोनों खड़ी ऊपर से नीचे, ये पहचान है इनकी कि ये ठंडी जलधाराएं हैं। तो ये भी ठंडी है और ये भी ठंडी है, बाकी सारी गर्म। क्लियर हुआ, बाकी सारी गर्म जो ऊपर से नीचे आ रही हैं, लैब्राडोर और कनारी, ये दोनों ठंडी। इस तरह से ये पूरा करंट फ्लो हो गया,
नॉर्दर्न एटलांटिक ओशियन का। क्लियर। नेक्स्ट वन है साउदर्न एटलांटिक ओशियन का करंट फ्लो। इसमें करंट फ्लो कैसे होगा, शुरुआत वहीं से करेंगे, इक्वेटोरियल से। इक्वेटोरियल जो साउथ की इक्वेटोरियल करंट है वहाँ से शुरुआत करेंगे, नीचे की तरफ है इसलिए साउथ बोल रहे हैं, इक्वेटर की है इसलिए कहाँ चलेगी, ईस्ट टू वेस्ट चलेगी। ईस्ट टू वेस्ट चलेगी कैसी होगी, गर्म, इक्वेटर की है तो गर्म ही होगी। नेक्स्ट जब आगे बढ़ती है तो सर्कुलेशन कैसा बनेगा, नीचे वाले ओशियन में सर्कुलेशन कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन बनेगा। एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन के दौरान जब ये नीचे की ओर उतरती है, ऊपर से नीचे आ रही है, गर्म है, इक्वेटर से आ रही है ना तो गर्म है, तो ब्राज़ील की जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये ब्राज़ील का क्षेत्र है, ये ब्राज़ील है, साउथ अमेरिका है ना, तो ब्राज़ील क्षेत्र है ये, तो ब्राज़ील क्षेत्र से होकर आती है, इसलिए इसे ब्राज़ील जलधारा कहते हैं। जब ये जलधारा आगे बढ़ती है तो नीचे से आने वाली फॉकलैंड की जलधारा, फॉकलैंड ये यहाँ पर एक द्वीप है, फॉकलैंड यहाँ आइलैंड है इस जगह पर, तो फॉकलैंड आइलैंड के नाम से वहीं से होकर आती है, इसलिए फॉकलैंड करंट कहलाती है। फॉकलैंड ठंडी है, नीचे से आ रही है इसलिए ठंडी है, तो नीचे से आने वाली ठंडी और ऊपर से आने वाली ब्राज़ील की धारा, इन दोनों, ये दोनों आपस में मिल जाती हैं, मिलने से ये एक फॉग बन गया, गर्म और ठंडी जलधाराएं बनी, कोहरे का निर्माण हो गया, प्लैंकटन बन गया, मछलियों के लिए अनुकूल हो गया, मछलियों को मज़ा आ गया, नतीजा ये हुआ यहाँ पर मछलियों का बहुत बड़ा क्षेत्र तैयार हो गया। तो ये तीसरा बैंक है मछलियों का, पहला बताया कौन सा, ग्रांड बैंक, दूसरा डॉगर बैंक, तीसरा ये हो गया, ठीक। इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है, अर्जेंटीना के पास में है, ब्राज़ील की धारा और फॉकलैंड की धारा के मिलने से बनता है। क्लियर हुआ। तो ये कहलाएगा कौन सा, ब्राज़ील और फॉकलैंड की जलधारा से मिला अर्जेंटीना के तट पर बनने वाला एक बैंक, फिश बैंक कहलाएगा ये। इसके बाद आगे फिर क्या होगा, साउथ अटलांटिक प्रवाह, ये अब ये ड्रिफ्ट बन गया, हॉरिजॉन्टल होने लगा तो ड्रिफ्ट बन गया, अब ये ड्रिफ्ट धीरे धीरे गति से आगे बढ़ेगा और फिर से एक नई शाखा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये नीचे से आने वाली शाखा के साथ ऊपर की ओर चलेगा, तो नीचे से आने वाली बेंगवाला की जलधारा, बेंगवेला की जलधारा नीचे से ऊपर आ रही है तो कैसी होगी, ठंडी, तो ये भाग में ये हो गई ठंडी, नीचे के भाग में ये ठंडी जलधारा है, बस इसको अकेला बेंगवाला याद रखना है आपको, बेंगवेला हो गई ठंडी, बाकी हो गई गर्म, ठीक। और एक ठंडी यहाँ कौन सी, फॉकलैंड की धारा, एक ये ठंडी हो गई, दो हो गई ठंडी। क्लियर है, ब्राज़ील की है गर्म, फॉकलैंड की है ठंडी, क्योंकि फॉकलैंड से आ रही है। अब यहाँ आपको देखिए, आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप ध्यान रखेंगे, एक ऑक्सफोर्ड का आप ले लीजिए एटलस, एटलस में आपको सारे महाद्वीप मिल जाएंगे, हर एक महाद्वीप के, कॉन्टिनेंट के कितने कंट्री हैं उसमें, सारे कंट्री आप, और उसमें बिल्कुल एक एक उनका स्थान चेक कीजिए। आपको मैप पर प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा मैप पर प्रैक्टिस करोगे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी उतनी अच्छी हो जाएगी। अभी आपने देखा यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आए, मैक्सिमम क्वेश्चन मैप पर आधारित हैं, अगर आपको मैप का ज्ञान नहीं है आप प्रश्न नहीं बना सकते। तो जितने बच्चे यूपीएससी वाले हैं विशेष रूप से, उन्हें मैप पर तैयारी करनी ही चाहिए। और वैसे एक बात और बता दूँ मैं, आगे चल के चाहे परीक्षा छोटी ही क्यों ना हो, प्रश्न हमेशा अच्छे ही पूछे जा रहे हैं, जो जनरल प्रश्न होते थे वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, स्टैंडर्ड बढ़ रहा है प्रश्नों का। तो आप अगर ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको मानचित्र का बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अगर कार्टोग्राफी नॉलेज नहीं है आपको तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। कार्टोग्राफी का जनक किसे कहते हैं, मानचित्र का जनक किसे कहते हैं, टॉलेमी को, टॉलेमी को कार्टोग्राफी का फादर ऑफ कार्टोग्राफी कहा जाता है। अगर आपने पहले दिन मेरी क्लास अटेंड की होगी तो मैंने बताया था पहले ही दिन ये चीज़, तो कार्टोग्राफी का जनक, फादर ऑफ कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला का जनक टॉलेमी को कहा जाता है। तो अगर मानचित्र पर आप स्टडी करोगे, एक एक महाद्वीप को रखिए सामने, देखिए उसमें कितने देश हैं, हर एक देश का नाम और उसकी राजधानी आपको याद करनी है, हर देश का नाम और उसकी राजधानी याद होना चाहिए, उसकी करेंसी याद होनी चाहिए, कौन सी करेंसी है उसकी, करेंसी का नाम क्या है, उस देश की सीमा किस किस देश से लगती है। इस तरह से एक एक कॉन्टिनेंट आप अलग अलग तैयार कीजिए, जब सारे कॉन्टिनेंट तैयार हो जाएं तो फिर वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले अलग अलग कॉन्टिनेंट का मैप बनाइए, प्रैक्टिस करनी है आपको,
जब खुद मैप ड्रॉ करने लगोगे ना तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप। अभी तो आपको आप ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी पढ़ रहे हो, इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। अभी तो तमाम आप लोगों को इंडिया का मैप बनाना नहीं आता होगा, गारंटी है इस बात की। तो सबसे पहले आप मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश का मैप बनाइए, आप बार बार ड्रॉ कीजिए, रोजाना एक बार कम से कम ड्रॉ करो, देखिए प्रैक्टिस होगी अच्छा हो जाएगा आपका। उसके बाद इंडिया का मैप ड्रॉ कीजिए, वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कीजिए। वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने से पहले आपको हर एक कॉन्टिनेंट का मैप आना चाहिए। जब कॉन्टिनेंट का मैप आ जाएगा उसके कोऑर्डिनेट पता पड़ जाएंगे, लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पता पड़ जाएंगे, तो आप बड़े आराम से वर्ल्ड का मैप ड्रॉ कर लोगे। तो हर एक महाद्वीप का मैप ड्रॉ करना है, साथ में ये भी देखना है कि उससे होकर कौन कौन सी रेखाएँ गुजरती हैं। भूमध्य रेखा, इक्वेटर गुजरती है, कैंसर, कैप्रिकॉर्न कौन कौन सी गुजर रही हैं, कितने अक्षांश के बीच में उसका विस्तार है, लैटिट्यूडनल पोजीशन ऊपर से नीचे कितने के बीच में वो विस्तार है, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन पूर्व और पश्चिम में कितना विस्तार है उसका, इस तरह से उसका एक्सटेंशन आपको तैयार करना है। ये प्रैक्टिस आपको अपने घर पे अपने आप से करनी है, यहाँ मैं नहीं कराऊँगा, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। तो इस होमवर्क को आप अभी से करना शुरू कर दो। अगर ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे से करनी है, मैं दावा करता हूँ एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर मेरे अनुसार आप पढ़ोगे तो हर प्रश्न का जवाब आप दे पाने में सक्षम हो जाओगे, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, UPSC से लेकर नीचे तक की हर परीक्षा में। और सबसे अच्छा प्रश्न होता है ज्योग्राफी, बहुत मज़ा आता है जब प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपके फंडामेंटल क्लियर हैं तो बड़े आराम से प्रश्न बनता है। तो ठीक है, आज ये काम करोगे आप लोग, ऑक्सफोर्ड का आप ले आना एटलस, ऑक्सफोर्ड एटलस के नाम से बाज़ार में मिलता है, और उसके बाद एक एक महाद्वीप अपना क्लियर करते चलिए, खुद ड्रॉ कीजिए। हो सके तो प्लान मैप आते हैं बाज़ार में, एक एक रुपए के आते हैं प्लान मैप, तो आप एक एक रुपए के प्लान मैप बाज़ार से खरीद लाइए, इकट्ठे 10-20 ले आइए एशिया के, 10-10 ले आइए दूसरे, हर एक कॉन्टिनेंट के 10-10 मैप ले आओ, और रोज़ाना मैप पढ़ो और उसमें खुद ड्रॉ करो पेंसिल से। और मैप कौन सा मैप लाओगे, पॉलिटिकल, जितने भी मैप लाओगे एक एक रुपए के आते हैं, पॉलिटिकल मैप लेकर आओगे आप। पॉलिटिकल मैप पर पहले ड्रॉ करना सीखो राजधानियाँ वगैरह, जब राजधानी वगैरह आप अच्छे से पॉलिटिकल पढ़ लोगे उसके बाद फिर फिजिकल ले आना, जिसमें बाउंड्री नहीं होगी, प्लान होगा। तो फिर जब हम फिजिकल मैप पढ़ते हैं तो उसमें पर्वत, पठार, नदियाँ, झीलें, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर वो आपको ड्रॉ करना है। प्लान पे आप ड्रॉ करोगे कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कहाँ कौन सी झील है, कहाँ नदी है, तो पहले पॉलिटिकल का अभ्यास करोगे, बाद में फिर हम उसको कन्वर्ट कराएंगे किसमें, फिर फिजिकल मैप में कन्वर्ट कराएंगे। दो प्रकार के मैप होते हैं, पॉलिटिकल में बाउंड्री होती है हर देश की, और फिजिकल में कोई बाउंड्री नहीं होती, कंप्लीट मैप होता है, खाली मैप होता है, उसमें आपको भरना पड़ता है कि कहाँ पर पर्वत हैं, कहाँ पठार हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ झीलें हैं, कहाँ पर कौन सी खाड़ी है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये धीरे धीरे करके आ जाएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग ज़रूर है, लेकिन इतना टाइम नहीं दोगे तो आपकी ज्योग्राफी की तैयारी भी नहीं हो सकती, टाइम देना ही पड़ेगा। तो आप लोग सब ये नक्शा ज़रूर लेकर आएंगे। तो इस प्रकार से हमने सदर्न अटलांटिक के बारे में भी जान लिया, क्लियर है यहाँ तक। तो हमने पांचों भाग पढ़ लिए, इंडियन ओशियन पढ़ लिया, नॉर्दर्न सदर्न पैसिफिक पढ़ लिया, नॉर्दर्न सदर्न अटलांटिक पढ़ लिया, कौन कौन से बैंक हैं, फिश बैंक हमने ये पढ़ लिए। अब अंतिम तौर पर एक यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये जो जगह है ये नॉर्दर्न अटलांटिक के पास, यहाँ एक विशेष प्रकार का एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच में है, 20 डिग्री अक्षांश से लेके 40 डिग्री अक्षांश के बीच में है। ये पूरा ये कौन सा महासागर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही एक क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र में जब पुर्तगाली नाविक यहाँ से स्पेन के नाविक गुजरे तो उन्होंने देखा कि उनका जहाज़ फंस गया विशेष प्रकार की घास में, यहाँ से जहाज निकल ही नहीं रहा था बाहर, तो यहाँ एक विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, उस घास को कहते हैं सारगैसम। सारगैसम घास के नाम से उन्होंने उस क्षेत्र को नाम दे दिया सारगैसो सागर, सारगैसो सी। तो ये परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारगैसो सी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे उत्तरी अटलांटिक ओशियन में सारगैसो सी है। नॉर्दर्न अटलांटिक ओशियन में सारगैसो सी है। इसका नाम सारगैसो क्यों पड़ा, स्पेन के नाविकों ने दिया, किस भाषा के नाम पर दिया, पुर्तगाली भाषा के नाम पर।
पुर्तगाली भाषा में सारगेसम एक घास का नाम है। उस घास के ज़्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में पाए जाने के कारण इस भाग को नाम दे दिया सारगेसो सागर या सारगेसो सी। तो सारगेसो सी का ये विस्तार एक्सटेंशन आपको पढ़ना है, कहाँ मिलता है ये देखना है। ये कैरेबियाई सागर है, ये कैरेबियन सी है, कैरेबियन सी के बाहर यहाँ पड़ता है सारगेसो सी। ठीक है, तो सारगेसो सी की लोकेशन एग्जैक्ट आप तैयार कर लेना, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सारे के सारे जितने भी ये आपकी करंट हैं ये हमने पढ़ लिए। अब परीक्षा के लिए अगला प्रश्न है जो यूपीएससी से संबंधित है कि जितने भी करंट हैं ओशियन करंट ये मानवीय गतिविधियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, ओशियन करंट मानवीय गतिविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं, या इनका मानव पर मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। अगर आपको अफेक्ट बताने हैं, कौन से अफेक्ट बताने हैं, अफेक्ट्स ऑफ ओशियन करंट ऑन ह्यूमन लाइफ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि मानव जीवन पर समुद्री जल धाराओं के प्रभावों का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब द अफेक्ट ऑफ ओशियन करंट ऑन ह्यूमन लाइफ, डेली ह्यूमन लाइफ है जैसा भी है, तो कौन कौन से अफेक्ट पड़ते हैं। सबसे पहला अफेक्ट क्या बोलोगे आप, जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएँ मिलती हैं वहाँ पर घने कोहरे का निर्माण होता है, और ऐसे जलवायु तंत्र में या ऐसे मौसम में वहाँ मछलियों के लिए प्रिय भोजन प्लैंकटन का निर्माण हो जाता है। प्लैंकटन वनस्पति बहुत ज़्यादा मात्रा में पैदा होती है, नतीजा क्या होता है, उस प्लैंकटन वनस्पतियों को खाकर मछलियाँ बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती हैं और उस क्षेत्र में मछलियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में तैयार हो जाती हैं, इसीलिए वो बड़े बड़े फिश बैंक बन जाते हैं। उदाहरण दे देना, जैसे न्यूफाउंडलैंड के पास ग्रैंड बैंक, जैसे इंग्लैंड के पास डॉगर बैंक, ये बड़े बड़े बैंक हैं, फिशिंग क्षेत्र हैं, और जो फिशिंग के लिए मत्स्यायन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इससे पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ी इकोनॉमी इस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का सी फूड है जिससे कई लोगों का जीवन निर्वहन गुजारा गुजर बसर होती है, तो ये पहला कारण हो गया। दूसरा, ऐसे बहुत सारे पोर्ट हैं जहाँ घना कोहरा छाया रहता है या जहाँ बहुत ठंडक रहती है, धुंध टाइप की बनी रहती है, तो ऐसी जगहों पर जैसे ही गर्म जल धाराएँ आती हैं तो वो गर्म जल धाराएँ वहाँ की नमी को सोख लेती हैं, नतीजा वहाँ कोहरा छट जाता है। तो ये व्यापारिक दृष्टि से वाणिज्यिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण है। पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट 12 महीने खुले रह पाते हैं सिर्फ और सिर्फ गर्म जलधाराओं के कारण। अगर गर्म जलधाराएं ना होती तो पोर्ट का विकास ही नहीं हो पाता, साल भर पोर्ट निर्बाध रूप से गतिविधियां ही नहीं कर पाते। ये एक दूसरा फैक्टर हो गया। और बताइए आपको क्या लगता है, करंट और किस प्रकार मानव जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इन करंटों के चलने के कारण ही पृथ्वी के ठंडे भागों में गर्मी पहुंचती है और गर्म भागों में ठंडी पहुंचती है। अगर करंट न होते तो गर्म भाग और गर्म होते और ठंडे भाग और ठंडे होते। समझ में आई बात, गर्म भाग ज़्यादा गर्म होते, ठंडे भाग ज़्यादा ठंडे होते। गर्म भागों को गर्म होने से कौन रोक रहा है, कोल्ड करंट। कोल्ड करंट जो हैं वो गर्म भागों को और गर्म होने से रोक रहे हैं। गर्म भागों का पानी ऊपर उठता है तो नीचे नीचे कोल्ड करंट चलना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कोल्ड करंट जब आते हैं, ठंडी धाराएं आती हैं, जल धाराएं, समुद्री धाराएं ठंडी गर्म भागों को ठंडक प्रदान करती हैं और ठंडे भागों को गर्म जल धाराएं, गर्म जल धाराएं वहाँ पहुँचती हैं तो उनकी ठंडक को कम करने का काम करती हैं। इसलिए इन जल धाराओं के चलने से क्या होता है, एनर्जी मूव करती है, नहीं तो एनर्जी एक क्षेत्र तक ही सीमित रह जाती। इस एनर्जी के मूव करने से समुद्र में जगह जगह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पैदा हो पाती हैं, नहीं तो फिर क्या होता, कोल्ड क्षेत्र में कोई वनस्पति पैदा ही नहीं होती। इसी प्रकार गर्म क्षेत्र में केवल गर्म वनस्पति ही पैदा होती, बहुत ज़्यादा गर्म, और ज़्यादातर वनस्पतियाँ मर जाती, लेकिन ठंडी जलधाराएँ के आने से वो गर्म वनस्पतियाँ फिर से हरी भरी हो जाती हैं। इसी प्रकार ठंडे क्षेत्रों में जब गर्म जलधाराएँ पहुँचती हैं तो वहाँ वनस्पतियों का निर्माण करती हैं। तो पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा के प्रवाह के लिए, एनर्जी सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है जलधाराओं का चलना, इससे मानव जीवन हेल्दी हो जाता है।
हर जगह मानव का रहना संभव हो पाता है, अन्यथा संभव हो ही ना पाता। इन्हीं जलधाराओं से होकर जब हवाएं गुजरती हैं तो हवाएं भी अपना ठंडा और गर्म रूप धारण करती हैं। इसीलिए ये पूरी पृथ्वी पर एयर सर्कुलेशन की बात हो अथवा एनर्जी सर्कुलेशन की बात हो, इन दोनों के माध्यम से मानव जीवन, जीव जंतु और वनस्पतियों का जीवन सरल हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है। इकोलॉजिकल सिस्टम अफेक्टेड होता है इससे। इकोलॉजिकल सिस्टम जब अफेक्टेड होगा पॉजिटिवली तो क्या होगा, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्या बन जाएंगे, जैव विविधता क्षेत्र, बायोडायवर्सिटी एरिया बन जाएंगे। नतीजा ये होगा वहाँ विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज पैदा होंगी, चाहे वो वनस्पतियों की हों अथवा जीव जंतुओं की हों। तो इस तरह से इकोलॉजिकल सिस्टम को दुरुस्त करते हैं ये। इतने सारे आपको कारण बताना है, ये पूरे मानव जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रहे हैं। बता लोगे, समझ में आई बात, कैसे कैसे क्या बताना है आपको। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है यूपीएससी में कि समुद्री जलधाराएं मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। अगर आपने ये चैप्टर जैसा मैंने बताया ऐसे कंप्लीट किया तो इसके सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। लगातार पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए। अगले लेक्चर में फिर कोई नया लेक्चर लेके आएंगे इसके बाद का। जय हिंद।